अब निजी अस्पतालों में भी कोरोना मरीजों का इलाज संभव होगा। ये घोषणा जिला प्रशासन ने सरकारी आदेश पर की है और इसकी जानकारी में सीएमओ डॉक्टर भूपेंद्र सिंह ने बताया कि जिले के 16 अस्पतालों को इसके लिए चुना गया है, जिनमें 127 बेड्स की व्यवस्था भी की गई, जो कि कोरोना के मरीजों का इलाज करेगा। लेकिन ये इलाज पूरी तरह से मुफ्त नहीं होगा, सरकार की ओर से निश्चित राशि भी इसके लिए तय की गई है। पूरे पंजाब से सानू पता चल रहा है कि सर्च जरा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और पठानकोट भी जो इस तरह केसिस जोड़े है 40-50 केसिस डेली रिपोर्ट हो रहे हैं और अगले हफ्ते 10 दिन के उम्मीद है कि ऐसी गिनती बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। काफ़ी ज़्यादा केसिस असं देख रहे हैं कि पॉजिटिव भी आ रहे हैं, जैसे फीवर के केसिस है या कम के केसिस। इन्हों देखते हुए असं जिस तरह साढ़े को गवर्नमेंट की फैसिलिटीज तो साढ़े को है ही है, जिमें 150 बैड की साढ़े को एल टू की फैसिलिटीज हैगी है, इस तो इलावा 400 बैड की असी ट्रिपल सी की लैवल 1 की फैसिलिटी साढ़े को तैयार है। असी डीसी साहब साढ़े जो पठानकोट के उन्होंने कल प्राइवेट हॉस्पिटल से मीटिंग बुलाई थी, सानू उन्होंने ऑलरेडी सानू दस्या कि तुम जो असं अपने बैड्स देवे तकरीबन 65 बैड्स देंगे और असी उन्होंने हॉस्पिटल्स इंश्योर किया है कि जो भी कोई पेशेंट आए तो वह किसी भी पेशेंट को रिफ्यूज़ नहीं करेंगे और अपना कोरोना का कोई भी पेशेंट आए सिम्टोमैटिक हो प्रॉब्लम होए रिफ्यूज़ नहीं करेंगे, उन्होंने एडमिट करेंगे। और सैकेंडली जड़ा भी कोई सपोज कर लो उन्होंने जिस तरह एडमिशन होती है तो जोड़े बैड उन्होंने डेडिकेटेड ने बखरे बखरे हॉस्पिटल्स ने अपनी अपनी कपैसिटी के हिसाब से सू बैड्स नोटिफाई कराए दे, अगर उन्होंने डेली वो जी ऑनलाइन मॉनिटरिंग करेंगे और ऑनलाइन उस भर के साढ़े को किन्ने पेशेंट जोड़े वो एडमिट है। और मैं बड़ी खुशी की गल है कि कल शाम भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के भी पेशेंट्स जोड़े वो लेने शुरू कर जो उन्होंने एक्चुअली जी असी क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने तो उन्होंने जी गवर्नमेंट की जी उन्होंने गवर्नमेंट ने की हैगी है भी इन्नी फीस वो लैन गए तो वह फीस जी गवर्नमेंट के हिसाब से उन्होंने लैनी। ये बखरी बखरी जगह उत्ते अलग अलग फीस हैगी है, सो ये बारे में ज़्यादा कमेंट नहीं कर पावगा, पर जो भी उन्होंने गवर्नमेंट की फी हैगी क्योंकि ये पीपीई किट्स वगैरह काफ़ी लंबी होंगी उस हिसाब से जी सा डॉक्टर तलवार कमेटी है उन्होंने फिक्सअप की सी और एक अच्छी अमाउंट है, कोई ये नहीं है कि बिना कोई प्राइवेट हॉस्पिटल कट रिपोज कर लो। अगर कोई यहोजा पेशेंट आता है कोई लैवल 3 का पेशेंट जरा सर लैवल 2 के पेशेंट असं नहीं आप लैवल 2 तक असं रखा लैवल 3 का पेशेंट अगर कोई इस तरह का आता है जो बहुत पुअर है अगर गवर्नमेंट को जरूरत होगी तो असं गवर्नमेंट वालों भी वो रिफंड जो है पे कर सकते हैं, ऐसी कोई गल नहीं। साडा मेन मोटिव है जो सा चीफ सैकटरी मैम ने भी किया और सा प्रिंसीपल सैकटरी और जो MLA साहब ने अपने स्पीच बार बार एक गल कहते हैं कि फॉर द वांट ऑफ मनी वी डोंट वांट के बाई एनी पेशेंट शुड सफर, कोई पैसे के लिए अगर किसी पेशेंट को सफर करना पवे तो वो मेरा ख्याल है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से भी एक जी है वो ठीक गल नहीं है, तो इसलिए इस कमी को कभी भी नहीं होने दिया जाए। साढ़े को 16 हॉस्पिटल्स ने जोड़ा कि क्योंकि ये बड़ा कुछ देखना पड़ता है कि आइसोलेशन भी हो नॉन कोविड काफ़ी जरा वो चलता रहे पेशेंट का, तो साढ़े को 16 अपना हॉस्पिटल है जिन्होंने कि सानू कोविड के लिए सानू जी है कमिटमेंट किए और अपने बैड से डिफरेंट हॉस्पिटल डिफरेंट अपनी कैपैसिटी हिसाब से